हेलो गाइस, रोटू ग्रैंड मास्टर इन सीजन 38 की सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। अब आज भी जो है हम अपनी सोलो रैंक पुशिंग की जर्नी को जो है आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड फिलहाल आप लोग मेरा स्कोर वगैरह चेकआउट कर सकते हो, 12,215 मेरा स्कोर हो रखा है। और मैं एक बात ना डेफिनेटली के साथ स्टार्टिंग में बोलना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बहुत ही बढ़िया बढ़िया गेम प्ले हुए गाइस। और हमारा ग्रैंड मास्टर जो है ना 15,625 स्कोर पे भी फिलहाल चल रहा है, जिसको मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट 5 to 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर लूंगा एंड अपना ग्रैंड मास्टर हम रैंक अचीव कर लेंगे जाते जाते। तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी मां की झूठ फूट ले। क्या कर रहा है ये मेरे साथ? तो चलो डायरेक्टली गेम प्ले की ओर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ 40 सेकंड लेने चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, इस वेबसाइट में जाके ना आपको अपनी एक फेक इंस्टाग्राम की आईडी को जो यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना। एंड लॉगिन करने के बाद नीचे की साइड में आप जाओगे, यहाँ पे जो आपको एक सेंड फॉलोअर्स का ऑप्शन मिलेगा। सेंड फॉलोअर्स से जाने के बाद आपको एक अपना मेन अकाउंट, ओरिजिनल अकाउंट को जो यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालना है, जैसे कि मैंने अपना ओशान गेमिंग डाला है। एंड डालने के बाद जो है आपको अपना अमाउंट टाइप करना है कि आपको कितने फॉलोअर्स अपने गेन करने हैं। यहाँ पे मैंने 50 फॉलोअर्स का टारगेट लगा दिया है। 120 सेकंड के बाद आपके फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है एंड इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे कितने फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्दी से जाओ अपने फॉलोअर्स गिन करने स्टार्ट कर। अब ये जो है ना हमारी सीरीज का पहला गेम प्ले होने वाला है, जिसके अंदर जो है मैं म्यूजियम के अंदर लैंड करता हूँ। एंड लैंड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे MP40 और VSS मिल जाती है मेरे को। जैसे नीचे की साइड में एक बंदा होता है, निहत्ता बंदा होता है यार, इसके पास गन वगैरह कुछ नहीं होती, लेकिन इस बंदे को मैं फिनिश आउट कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो है ना ऊपर की साइड में आता हूँ यार। ऊपर वाली साइड के अंदर ना ये जो एनिमी है ना मेरे से जो लड़ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, मतलब कि बहुत ही अलग ही लेवल की मूवमेंट दिखा रहा है यार, क्या ही तो बोले। एंड आप जस्ट एक सामने साइड में एनिमी है, जस्ट अभी लैंड ही किया होता है बेचारा, मतलब कि इसमें ज़्यादा अच्छी लूट वगैरह नहीं होती, मतलब जस्ट अभी लैंड किया होता है। अब ये जो बंदा मेरे से लड़ रहा था ये दोबारा से मैंने इसको डैमेज दिया एंड मैं नीचे गिर जाता हूँ। अब यार मैं थोड़ी देर ना मेडिकेट वगैरह मार के इसके ऊपर सीधा रश मारूंगा। अब मैं ऊपर साइड में रहता हूँ, अगेन ये बंदा दिख गया मेरे को सामने। इस बार मैं सोच रहा हूँ उसके मुँह पर रश मार दूँ सीधा। अभी फिर से भागने लग गया यार, कितना भागेगा मुझसे भाई। अब एक बार हम VSS से ट्राई करते हैं इसको यार डैमेज देने का, एक आधा हेड पड़ जाए, क्योंकि एम यहाँ से आता है ना बहुत ही आराम से, तुक्के वाला हेड पड़ गया 159 का, क्या ही तो बोले यार। म्यूजियम के अंदर ही काफ़ी देर लूट वगैरह करने के बाद जो है ना इस अली साइड के अंदर ना एक एनिमी आ जाता है यार। एंड एनिमी को जो है ना मैं नोटिस कर लेता हूँ बहुत ही दूर से, और इसको लगता है कि मैंने नोटिस नहीं किया। अब जब मैं डैमेज देता हूँ तब ये मूवमेंट दिखा रहा होता है अपनी, मतलब थोड़ा बहुत हिल रहा होता है यार। हेड का एम ले रहा हूँ मैं, लेकिन हेड का एम नहीं आ रहा है, बंदे ने डैमेज दी काफ़ी ज़्यादा। एक मेडिकेट मार लेते हैं, लेकिन ये मेडिकेट मारने का टाइम देखा, हाँ तो ऑलरेडी इसने मेडिकेट मारने का टाइम दे दिया। रश मारते हैं इसके ऊपर, बहुत ही प्यार से मैंने इसके ऊपर ना रश मार के जो MP40 की स्प्रे से इस बेचारे को फिनिश आउट कर दिया। जलवा है हमारा। और वहाँ से ना मेरे को AW मिल जाता है। एंड आगे की साइड में आते के साथ यहाँ पे एक एनिमी भी दिख जाता है। अब इस एनिमी को मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ। अब ये बंदा आप लोग देखो भाई, बॉल वगैरह डाल के जो है ना ऊपर की साइड में चला जाता है। इसको जो है मैं एक भी ओम का शॉट कनेक्ट नहीं कर पाता। एक नेट फेंकने का ट्राई करता हूँ मैं, नाकाम कोशिश, जो कि मेरा नेट आप लोग देखते हो, मेरे नेट इतने परफेक्ट कैसे जाता है आई डोंट नो। अब वो बंदा जो है ना पीछे की साइड में यहाँ पे पेट्रोलियम के पीछे छुप जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बंदे को लग रहा है कि मैं यहाँ पे हुनीस का मैं हेड गेम लेता हूँ एंड इस बंदे को मैं बहुत ही आराम से हेड शॉट देके जो है फिनिश आउट कर देता हूँ। अब पीस वाली साइड के अंदर आने के बाद जो है ना मेरे पास अभी भी जस्ट ओम और MP40 के कॉम्बिनेशन होता है। फुटस्टेप मुझे आप एक एनिमी के आ जाते हैं और ये बंदा भी दिख जाता है। इस बंदे को लग रहा है कि यार मैं बिल्कुल इसकी तरह बहुत हूँ, और इस बेचारे का जो है ना नेट बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा होता है, जैसे इस वजह से एक बॉडी कनेक्ट हो जाती है ओम की। एंड भाई यहाँ पे बहुत ही प्यारे जो है हेडशॉट दे दिए मैंने इसको MP40 के। एंड इतनी देर के अंदर ना यहाँ पे एक और एनिमी आ जाता है। अब ये वाला एनिमी ना मेरे को थोड़ा सा ना शॉक कर देता है कि भाई ये एकदम से जब आता है ना तो मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, और ये ऊपर से ना गाड़ी लेके भागने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे सामने की साइड में एक और एनिमी होता है, उसी के पास जा रहा होता है गाड़ी लेके, उसको उड़ा देता है। एक एनिमी डाउन किया मैंने, लेट्स सी यहाँ पे ये भी डाउन होता है क्या भाई यार। इसमें मैं बॉडी कनेक्ट कर ही नहीं पाया, मतलब शॉट कनेक्ट कर ही नहीं पाया ओम का। यहाँ पे आखिरी के 9 ही बंदे बचे इस गेम के, टोटल 6 किलो जाते मेरे। एंड अब जो है ना जिस बंदे ने इनको डैमेज दे रहा था वो बंदा सामने की साइड में इस पे रश मारेंगे। MP40 से बहुत ही प्यारा स्प्रे देके मैंने इस बंदे को फिनिश आउट कर दिया। अब इस वाले एरिया से जो है ना मैं निकल जाता हूँ एंड इस वाली साइड में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे जो अपोनेंट है ना वो काफी ज्यादा मूवमेंट स्पीड वगैरह दिखाने वाला बंदा है यार। अब इस बंदे को जो है मैं ट्राई करता हूँ MP40 का स्प्रे देने का, लेकिन यहाँ पे जो मेरी एक छोटी सी गलती होती है कि यहाँ पे जो है ना मैं वॉल डालने में काफी देरी कर देता हूँ एंड वॉल भी गलत डाल देता हूँ। Don't you dare call me bot. I am noob. मतलब अगर यहाँ पे मैं अपने आप को पैक कर लेता तो शायद मैं यहाँ पे बच सकता था, लेकिन इसको भी मैंने पैक कर दिया है भाई। ये तो शायद अंदर घुसा था ना अभी, कोई
ये बेचारा मेरी वॉल से ही मर गया, लॉल भाई बेचारे के मोए मोए हो गए। क्या बात है, बेचारा एनिमी मेरी वॉल को कितना ज्यादा कोस रहा हुआ है यार। यहाँ पे मेरा 19 का प्लस हुआ। जस्ट अभी मैं शिपयार्ड के अंदर लैंड किया ही हूँ कि इतनी देर के अंदर ना सामने की साइड में एक बंदा मुझे दिख जाता है और ये बंदा मेरे ऊपर रश भी मार रहा होता है। अब इस बंदे को नहीं पता कि मेरे पे शॉर्ट रेंज कौन सी लेवल की शॉर्ट रेंज है और मेरे को थोड़ा सा लाइट ही ले रहा है। दैट्स व्हाई इस बंदे को जो है मैं लॉबी के अंदर भेज देता हूँ, मतलब कि दोबारा रिवाइव होने के लिए। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ना एक बंदे ने ड्रैगन को जो है अभी जस्ट मारा है और ये ड्रैगन को मैंने पूरी की पूरी मतलब जब से आया तब से मैंने एक बार ही छुआ तक नहीं इस बंदे को यार, क्या ही बोले ड्रैगन को। अब यहाँ से मैं जा ही रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को एल शेप के अंदर एक बंदा दिख जाता है, तो मैं फटाफट से मूवमेंट स्पीड लेकर के काचुए की हेल्प से इस बंदे को जो थोड़ा काफ़ी डैमेज दे देता हूँ। अब ये बंदा ना अपने आपको पैक कर लेता है। अब यार पैक करने की यहाँ पे मेरे नेड होते हैं, एक नेड फेंकता हूँ मैं पहले, तो मैं सोचता हूँ यार एक ही नेड से मर जाए तो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। 99 का यहाँ पे डैमेज आता है, फिर दूसरा नेड मुझे मजबूरी में इसके ऊपर यूज़ करना पड़ता है। दोनों एक साथ फेंक देता है इससे बढ़िया तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस वाले नेड के अंदर भी इसका डैमेज आया लेकिन मेरे को दिखा नहीं। एंड यहाँ पे जैसी बॉल टूटता है मैं इसको बहुत ही आराम से जो है फिनिश आउट कर देता हूँ MCY लॉर्ड। एंड यहाँ पे एक और एनिमी आ जाता है धीरे में भाई, ये बंदा बिजॉन लेके मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, इसको बहुत ही आराम से मैंने फिनिश आउट कर दिया। अब ना मैं आपको बिल्कुल एंडिंग जोन का गेम प्ले दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना मेरे 6 किल होते हैं, आखिरी के 2 ही एनिमी बचे हुए, जस्ट एक पर्पल वॉल के पीछे और एक रेड वॉल के पीछे। यहाँ पे एक एंटी लॉन्चर फेंकते हैं उसके ऊपर और वॉल भी तोड़ दिया मैंने इसका बहुत ही आराम से, भाई को जो है ना M60 से फिनिश आउट कर दिया। एंड ऊपर जो है ना आखिरी एनिमी बचा है इस गेम का, इसको भी काफ़ी डैमेज दे दिया मैंने M60 से। जोन मेरे पे है नहीं तो आगे चलेंगे यार। और मैं सोच रहा था ना इस बंदे की बस वॉल ही फाड़ता रहा हूँ क्योंकि इसकी वॉल पे नायरी करेक्टर था नहीं। एंड मैं थोड़ा सा डर भी रहा था कहीं इस बंदे का ऊपर से ऊंचाई से हेड पड़ जाए। यहाँ पे इसका अगेन वॉल फाड़ा, एंड अगेन वॉल फाड़ते हैं। दो बारी वॉल तोड़ने के बाद जो है बहुत डैमेज हो चुका है ये बंदा। और मेरे ताचू के 4 हैं लेकिन मैं जो है इनका इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर रहा अभी। एंड अब जो है इस पे रश मारते हैं, बंदा बहुत ज़्यादा डैमेज यार। एंड काफ़ी बढ़िया खेल रहा है बंदा, भाई बंदे की वॉल की स्पीड काफ़ी अच्छी है। लेकिन एट द एंड इस बंदे को मैं जो है लॉबी में भेज देता हूँ। एंड यहाँ पे जो है ना मेरे जो है टोटल आप लोग 8 किल देख सकते हो और 29 का मेरा इस गेम के अंदर प्लस लगता है बोया के साथ। अब यहाँ पे ना मेरे पास AWM होता है एंड सामने की साइड में ना एक एनिमी मेरी स्किल ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पे इस दीदी को मैं एक बॉडी कनेक्ट करता हूँ ओम का। एंड बंदी की वॉल की स्पीड ना काफ़ी ज़्यादा तेज है यार, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मेरे को तंग करने वाली है यार। एक बॉडी कनेक्ट हो जाए अगेन दीदी को बॉडी कनेक्ट। एंड यहाँ पे मैं इसको बॉडी से फिनिश आउट कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं फटाफट से मेडिकेट वगैरह मारता हूँ यार, मेरे को थोड़ा सा डर लगता है कि कोई और एनिमी ना आ जाए। एंड उसके बाद जो है ना मैं आपको एंड जोन का वो गेम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इस बंदे को डैमेज देता हूँ, भाई बंदे का ट्रोगन देखकर थोड़ा डर जाता हूँ। अब इतनी देर में ऊपर जाता हूँ, ऊपर में भी यहाँ पे एनिमी दिख जाते हैं मेरे को, मतलब नीचे कुआं तो ऊपर खाई, भाई अलग ही सीन था ये तो। क्या बोला? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब नेक्स्ट लेवल वाला सीन हो गया मेरे पास यहाँ पे ना, क्या ही बोले। 10 का प्लस लगता है मेरी इस वाली गेम के अंदर, जस्ट एक किल करा था मैंने पूरी गेम के अंदर, मोए। अब इस वाली गेम के अंदर मेरे पास M124 होता है एंड यहाँ पे बिजॉन होता है, जस्ट सामने ऊपर की साइड में ना वॉल डला होता है और मेरे पास स्किल ब्लॉकर होता है। तो मैं बंदे का ना स्किल ब्लॉक करने का ट्राई करता हूँ। वो बंदे का मेरे को गन दिख रहा है और उसको लग रहा है कि मेरे को मार देगा, लेट्स सी क्या होता है। इसके ऊपर फटाफट से रश मारता हूँ एंड पूरा रेड नंबर देके इस बेचारे भाई को जो है मैं लॉबी में भेज देता हूँ। टोटल इस वाली गेम में 3 किल हो जाते हैं। एंड का आप लोग फाइट देख सकते हो, यहाँ पे आखिरी के 3 बंदे बचे हैं। पीछे की साइड में बॉल के पीछे बंदा है, स्काइलर मिल जाता है मेरे को ना एक एनिमी से। एंड यहाँ पे स्काइलर की हेल्प से मैं इस बंदे को बहुत ही आराम से मार देता हूँ, बॉस नाम था बंदे का। एंड एक और एनिमी शायद पीछे की साइड में ही है, मैंने लेकिन गाड़ी तोड़ दिया क्योंकि मेरे को ना ऐसा लगता है ऊपर से एक बंदा डैमेज दे रहा है मुझे। तो यार ऊपर में ही बंदे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले को हेड पड़ सकता है क्या। बहुत ही आराम से रेड नंबर दे दिया मैंने 4-5, एक आधी गोली का बंदा है। फटाफट से इसके ऊपर एंटी लॉन्चर फेंक के उसको डैमेज देंगे एंड बहुत ही आराम से 28 डैमेज के बाद ही इस बंदे को मैंने मार दिया। टोटल मेरे खिलाफ लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है ना 6 किल हो जाते हैं एंड आखिरी का बंदा एनिमी बचता है। अब यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक ना मेरे को लगता है कि सामने की साइड में, तो यही रीज़न सोचते मैं आगे की साइड में आता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई बंदा जो है ना मेरे सामने, लेकिन आप लोग देखो बंदा राइट में होता है। बंदे की वॉल को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया है यार, ये बंदा कैसे बहुत ही आराम से जो मेरे से मर जाता है। लेकिन मुझे एक बारी कैसे लगता है कि ये मुझे मार देगा। 28 का मेरा यहाँ पे प्लस लगता है 7 किल के साथ। बहुत ही बढ़िया और स्मूथली गेम गया था ये वाला ना, 3 की स्ट्रीक के साथ। नेक्स्ट गेम के अंदर जो है ना यहाँ पे मेरे टोटल 3 किल होते हैं एंड मेरे पास AWM होता है। सामने से एक एनिमी सीधा सीधा भागते हुए आ रहा था, इस बंदे को बॉडी कनेक्ट नहीं हुआ, मतलब एक भी शॉट कनेक्ट नहीं हुआ। लेट्स ट्राई एक और कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे एक बॉडी कनेक्ट हुआ 145 का। फटाफट से रश मारेंगे, बहुत ही आराम से इस पर बॉडी कनेक्ट करके मैंने फिनिश आउट कर दिया।
पीछे साइड में एक एनिमी डैमेज दे रहा होता है मुझे। अब उस एनिमी जो है ना वो रश मारने लग जाते थी देर के अंदर। एंड यहाँ पे एक बॉडी कनेक्ट किया 165 का। भाई बंदे गाड़ी वाड़ी पता नहीं क्या यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो है फिर से ट्राई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा इसके बंदे से लड़ने के बाद, हमने ये वाला गेम प्ले जो आप लोग चेकआउट कर सकते हो 5 किल के साथ निकाल लिया है। अब जो है ना एंड जोन का आखिरी बंदा बचता है। यहाँ पे टोटल किल मेरे देख सकते हो 8 किल मैं कर देता हूँ पूरी गेम के अंदर। बहुत ही नेक्स्ट लेवल बंदे मारे मैंने। अब ये बंदा जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कवर में रहने लग गया था, क्योंकि इसको लग रहा था मेरे पे ओम है, जो कि है मेरे पास। जैसे निकलेगा बाहर डैमेज खाएगा। डेड वगैरह कर दिए बंदे ने। आ जा भाई गोली खा के जा। बहुत ही आराम से इस बंदे को मैंने नॉकआउट कर दिया है। लाइक सीरियसली क्या ही तो बोलूँ, बहुत तंग किया इस बंदे ने। लेकिन एट द एंड ये बेचारा भाई भी लॉबी में चला जाता है। 29 का मेरे यहाँ पे प्लस लगता है 9 किल के साथ। क्या ही तो बात है यार, 100-100 का प्लस लगता है पैराफल में 4 की स्ट्रीक के साथ। यहाँ पे जो है ना मेरे पास M124 और यहाँ पे M10 होता है 3 लेवल का। एक एनिमी की जस्ट मुझे झलक दिखती है और ये बंदा जो है ना मेरी लॉन्ग रेंज से ही मर जाता है M10 से। बहुत ही प्यार से इसको बॉडी बॉडी देखे मेरे 2 किल कंप्लीट हो जाते हैं। एंड एंड के जो है ना सिर्फ और सिर्फ 5 बंदे बचे हैं यार, 3 बंदे बचे हैं, जिनमें से एक बंदे को मैंने बहुत ही आराम से बॉडी बॉडी से फिनिश आउट कर दिया। आखिरी ये 2 एनिमी बचे हैं जो कि शायद से पीछे की साइड में होंगे, तो हम थोड़ा पीछे की साइड में चलते हैं। एंड आप लोग ना मेरे से काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि भाई एंड जोन के अंदर कैसे फाइट लेते हो, उस पर वीडियो बनाओ। तो बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो रहो यार। आपको बहुत ही जल्दी जो है मैं ना एंड जोन में फाइट का लेके आऊँगा वीडियो। यार ये बंदा कहाँ से आया एकदम से, डर गया मैं। डैमेज दिया उसको मैंने, पैक करके बैठ गया नूबड़ा अपने आपको। मतलब डैमेज तो दिया मैंने, मेरे को मतलब डर गया था मैं एकदम से ना, जैसे मेरे मुंह पे आया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो हम एक ग्लू मैटर फेंकते हैं, इस बंदे का वॉल तोड़ने का ट्राई करते हैं। नया कैरेक्टर यूज़ कर रहा है। ऑल राइट, बहुत ही आराम से इस बंदे को जो है मैंने फिनिश आउट कर दिया। एंड एक एनिमी ना इतनी देर के अंदर ही नेड़ फेंकने लग जाता है आखिरी का एनिमी। अब ये एनिमी जो है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा है। आप लोग ये वाला फाइट देखो भाई, ये बंदा कहाँ से रहा होता है ना मुझे कुछ नहीं पता होता है। यार ये बंदा शायद बैकआउट निकल रहा है यहाँ से। नहीं भाई ये निकल नहीं रहा है, मुझे मारने का ट्राई कर रहा है। हेड दिया इसको मैंने, इसने भी मुझे काफी डैमेज दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो है ये रश मारता है और इस बंदे का ना इतनी देर में हेड पड़ जाता है, मतलब तुक्का पड़ जाता है और मेरा जो है यहाँ पे मोई मोई होता है। लेकिन एट द एंड मैं जो है ना रिवाइव होके दोबारा इस भाई का मोई मोई कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा 25 का प्लस लगता है 5 किल के साथ। किस्मत ने बचा लिया इस गेम के अंदर, नहीं तो माइनस हो जाती स्ट्रीक। यहाँ पे 5 की हमारी स्ट्रीक लग जाती है फाइनली। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं नेक्स्ट गेम स्टार्ट करूँगा। एंड नेक्स्ट गेम स्टार्ट करते के साथ ही यहाँ पे मेरे साथ इतना बड़े वाला सीन हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे जो है ना एक बंदे ने ड्रैगन को फिनिश आउट किया है। अब इस बंदे को ना मैं थोड़ा हल्के में ले लेता हूँ एंड इस बंदे के मुंह पे रश मार देता हूँ। मेरे को यार यहाँ से निकल जाना चाहिए था, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी इस पे रश मार के, क्योंकि मेरे को दिमाग नहीं यूज़ कर पाता मैं, कि मेरे पे सोच भी नहीं पाता कि इस बंदे पे 4 का वेस्ट हो सकता है। तगड़े तगड़े गन होंगे, उसके बावजूद भी इस पे रश मारता हूँ। डैमेज आया इसको नेड से। एंड देखो आप लोग इसको कितना डैमेज दे पा रहा हूँ मैं, Mach 7 से भाई टट्टी है यार ये Mach 7। इससे बढ़िया ना बंदा वो चला ले Mach 10 वगैरह, टट्टी गन चला लूँ मैं, मिनी यूज ही चला लूँ, इससे बढ़िया एक गोली का बचाऊँ मैं कैसे ना कैसे करके यहाँ पे अपने आपको पैक करता हूँ। एंड सच्ची बता रहा हूँ मैं, इससे बढ़िया ना मिनी यूज ही चला लूँ यार, मतलब क्या ही बोले यार, वेस्ट पे डैमेज ही नहीं दे पाती है Mach 7। अब यहाँ पे वॉल तोड़ने का ट्राई करेंगे इसका। अब यहाँ पे ना गलती से इमोट दिखाता हूँ मैं, आप लोग समझना मत जानबूझ के, गलती से ओके प्रेस उठाता है एंड ये बंदा जो है ना मुझे लॉबी में भेज देता है। क्या ही तो बोले यार, बंदे का काफ़ी अच्छा गेम प्ले था, तो इसी रीज़न से हम इसको फटाफट से लाइक देते हैं। एंड फटाफट से बैक चल के देखते हैं कितने का प्लस लगा। यहाँ पे मेरा माइनस लगता है 15 का। छी भाई यहाँ पे माइनस करवा दिया इस बंदे ने। नेक्स्ट गेम यहाँ पे मेरा स्टार्ट होता है एंड नीचे की साइड में मेरे एनिमीज होते हैं। काफ़ी एवरेज से लॉबी आया है, 2 ही किल हुए मेरे अभी तक। जस्ट यहाँ पे ये बंदा मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता था भाई, मतलब एक गोली का छोड़ता है बंदा, सीधा हेड पड़ता है इस बंदे का। कोई दिक्कत नहीं, मेडिकेट मारेंगे, मेडिकेट मार के जो है ना अब आखिरी का राउंड, आपको आखिरी का राउंड बोल रहा हूँ, आखिरी का जोन दिखा रहा हूँ। आखिरी के 3 ही बंदे बचे हैं, जिनमें से एक सामने की साइड में मेरे, नेड फेंकेंगे यार इसके ऊपर। राइट हैंड साइड में भी फाइट चल रहा है गंदे वाला, लेट्स सी क्या होता है। नेड से डैमेज ही नहीं आया भाई, जो आखिरी के 2 ही बंदे बचे, अब मैं सोचता हूँ उस पर रश मार दूँ। भाई ओरियन बन गया है, तो काफ़ी तगड़ा बंदा लग रहा है, डैमेज तो मैंने काफ़ी दिया। अब इसमें कोई ट्रोगन लेके मेरे मुंह में घुस रहा है यार ये बंदा, तो मैं थोड़ा डर गया हूँ, थोड़ा नहीं बहुत डर गया हूँ। ट्रोगन वालों से डरना ना अच्छा है। यहाँ पे इसको एट द एंड जो है ना यहाँ पे मैं किल कर देता हूँ। इतनी देर में बाहर निकलते के साथ ही एनिमी दिख जाता है, मैं डर जाता हूँ, मतलब कितने एनिमी आएंगे यार। अभी आखिरी का एनिमी है, काफ़ी डैमेज हूँ मैं, 8 किल टोटल। एंड एट द एंड मैं कैसे ना कैसे करके ये वाला गेम बोया निकाल देता हूँ 26 के प्लस के साथ।
एंड अभी मेरा 9 किल कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब लाइक सीरियसली बहुत तगड़ा स्ट्रेस था ये वाला गेम प्ले बोया निकालना। हद से ज़्यादा जिसको बोलते ना यार, मतलब फर्स्ट्रेट हो चुका था मैं गेम खेल खेल के बोया निकाल निकाल के। मतलब फर्स्ट्रेट से मेरा मतलब है कि रेगुलरिट में जब मेरे बोया लगते ना तभी मुझे अजीब लगने लग जाता है, जिस वजह से जो हम ये वाली सीरीज को यहीं पे एंड कर रहे हैं। एंड होपफुली आपको जो है इस सीरीज में काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा, मतलब कि एपिसोड में। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। एंड प्लीज़ जो है ना, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स हो, कोई भी सीरीज कंटिन्यू करवानी हो, बस कमेंट कर देना, आपके कमेंट के मैं रिप्लाई भी दूंगा, प्लस मतलब आज नहीं तो कल मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, और प्लस उसके अलावा मैं जो है ना उस कमेंट के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अब अगर आप लोगों को ना अपना सोलो के अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो आप लोग ये वाली वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि आप लोग सोलो रैंक पुशिंग करते हो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर सकते हो, जिससे कि आपको और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा यार सोलो के अंदर रैंक पुशिंग करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।